नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, इमरजेंसी जैसी माहौल बन गई फिर से। ये लोग जो कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, हम राष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहे, हम नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मगर मैं एक जब आप अपने पक्ष में जो सरेआम ऐलान करता है कि नरेंद्र मोदी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि वो खानदान को बचाने के लिए चल रहे हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए चल रहे हैं, ये फर्क है। किस चीज से बचाने की कोशिश है? उस सोच से। उन्होंने कहा हमने मनरेगा बनाई। मनरेगा में क्या बनाया? नौकरियां दी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा वो क्या डेमोक्रेसी प्रफुल्लित हो जाएगी स्मृति जी की, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक राष्ट्रीय लेवल की कोई एक पार्टी खड़ी ना हो। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई। दोस्तों स्मृति ईरानी की बुरी तरह हार पर इनके ही अपने गोदी एंकर मजे लेने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। कैसे, आप इनका ये इंटरव्यू देखिए और आप भी मजे लीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, इमरजेंसी जैसी माहौल बन गई फिर से। वही लोग ने दम तब तोड़ा और मैं इसलिए आपको भी रोक रही हूँ। ये लोग जो कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दम तब तोड़ती है जब आप मेरिट के आधार पर नहीं जेनेटिक्स के आधार पर नेता तय करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जो लोग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं स्मृति जी, वो कहते हैं कि देखिए हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी है और हम राष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहे, हम नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मगर मैं जरा एक एक ऐसा नेता खड़ा करते हैं और उसको उत्तर प्रदेश में समर्थन देते हैं जो सरेआम ऐलान करता है कि नरेंद्र मोदी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। जब आप एक ऐसी यात्रा करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं राष्ट्र को जोड़ने की बात करता हूं, लेकिन जिसने एक यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के टुकड़े होने का नारा दिया उसकी पीठ थपथपाते हैं। आज अनुपम जी बात कर रहे थे कश्मीर फाइल्स की, आकर समर्थन दिया क्योंकि वो खानदान को बचाने के लिए चल रहे हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए चल रहे हैं, ये फर्क है। किस चीज से बचाने की कोशिश है? उस सोच से जो मेरिट को ध्वस्त करती है, उस सोच से जो गरीब को उसके अधिकारों से वंचित रखती है। हाँ जी, तो गोदी एंकर ने जब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इमरजेंसी जैसे माहौल की बात की तो स्मृति ईरानी सवाल को समझे बिना ही कांग्रेस को कोसने बैठ गई। पर जो सच है ये पूरे देश को पता है, लेकिन गोदी एंकर ने फिर से ये कहा कि मेरा सवाल वो नहीं था बल्कि ये था कि देश की आलोचना नहीं बल्कि मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस पर स्मृति ईरानी का बौखलाहट भी आपने देखा। ये इन लोगों की बहुत पुरानी फितरत है कि अपने या अपने पार्टी के बारे में एक भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन खुद दिन भर पानी पी पी कर दूसरे को कोसते रहते हैं। और ऐसे ही लोग ऐसे मंच पर बैठ करके JNU जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के खिलाफ फेक न्यूज भी परोसते रहते हैं। और ये स्मृति ईरानी चाहती हैं कि लोग कश्मीर फाइल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म की लोग झूठी तारीफ करें, जो कि असंभव है। फर्जी को फर्जी ही कहा जाता है और हमेशा कहा भी जाएगा। और इसका राष्ट्र को बचाने का जो ढोंग है ये भी पूरा देश अच्छे से समझ चुका है। वजह यही है कि आज इनकी सरकार बैसाखी के सहारे है। उन्होंने कहा हमने मनरेगा बनाई। मनरेगा में क्या बनाया? सब्सिडीज दी। मनरेगा में क्या बनाया? नौकरियां। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, नौकरी की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं अमेठी की सांसद हूँ, 499 फैक्ट्रीज तो अमेठी में बंद करा दी 10 साल में महाजन है। मगर लोकतंत्र को फायदा क्या होगा अगर हमारा देश ऐसा बने और हमारी जो राजनीतिक ढांचा है वो इस तरह का बन जाए कि भारत में सिर्फ एक ही पार्टी हो। मैं बात रख लूँ, क्या डेमोक्रेसी प्रफुल्लित हो जाएगी स्मृति जी की अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक राष्ट्रीय लेवल की कोई एक पार्टी खड़ी ना हो, या 2029 के चुनाव में एक भी पार्टी आपको नेशनल लेवल पे कम्पीट ना कर पाए, तो क्या हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऑपोजिशन इसलिए ध्वस्त है क्योंकि देश की जनता ने वो खेमा छोड़ दिया है। वो तो ऑपोजिशन को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी है वो इस वक्त टहल रहे हैं देश में। तो जी, मनरेगा एक ऐसा योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाया जिसका फायदा आज भी पूरे देश के गांव-गांव में लोगों को मिल रहा है। वैसे इस गोदी एंकर का सवाल तो ये होना चाहिए था कि आपने क्या बनाया, आपने क्या किया, कोई एक ऐसा काम बता दे जो बनाया हो या किया हो। एक भी नहीं बनाया, सब कुछ कांग्रेस के टाइम का बना बनाया इन्हें मिला है। और जब इस गोदी एंकर ने ये सवाल पूछ लिया कि एक देश एक पार्टी से लोकतंत्र को क्या फायदा होगा, तो इस
पर स्मृति ईरानी जलेबी बनाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि देश की जनता साथ खड़ी है। पर एक कड़वा सच ये भी है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद अपनाया, लेकिन भला हो इस देश की जनता की जिन्होंने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। आगे देखिए एजेंसीज के मिस यूज पर गोदी एंकर के सवाल पर स्मृति ईरानी कैसे जलेबी बना रही हैं। वो कह रहे हैं जितना हम हो सकते हैं, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे खिलाफ ये एजेंसीज को लगा देती है। भारतीय जनता पार्टी लूटे देश को, फिर कहें कि कोतवाल मेरा दरवाजा ना खटखटाए, संभव है? मगर कोतवाल 7 साल तक कहां थे? कोतवाल 7 साल तक कहां थे? अभी अचानक देखिए, या तो आप ये कहें कि बिना पक्षपात के इन्वेस्टिगेशन, या तो आप ये कहें कि कोतवाल पॉलिटिसाइज्ड हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।